सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल संजीव मिश्रा को और प्रेस करिए बेल आइकॉन पर हर तरह के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, दमोह जिला सागर क्षेत्र में मध्य प्रदेश का एक जिला है जिसका मुख्यालय दमोह शहर में अवस्थित है। नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव आज आपके साथ मध्य प्रदेश के दमोह जिले के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां शेयर करूंगा, तो बने रहें हमारे साथ वीडियो के बिल्कुल लास्ट तक। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देखने आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। पूर्व में कटनी और पन्ना, पश्चिम में सागर, उत्तर में छतरपुर और दक्षिण में नरसिंहपुर और जबलपुर से घिरा हुआ दमोह जिला कुल 7306 वर्ग किलोमीटर के भौगोलिक क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें से लगभग 5850.76 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल कृषि करने योग्य, जबकि 2587.18 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल जंगलों के अंतर्गत आता है। दोस्तों, दमोह शहर का नाम हिंदू पौराणिक कथाओं के राजा नाल की पत्नी दमयंती से आता है। मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल के दौरान दमोह मालवा प्रांत का हिस्सा हुआ करता था। इस नगर में शिव, पार्वती एवं विष्णु की मूर्तियों सहित कई प्राचीन प्रतिमाएं मौजूद हैं। दोस्तों, दमोह शहर में एक महत्वपूर्ण पशु बाजार है और कई छोटे उद्योग जैसे कि बुनाई, रंगाई और मिट्टी के बर्तन बनाने का काम यहाँ पर होता है। प्रशासनिक संरचना की बात की जाए तो दमोह जिले के अंतर्गत 7 विकास खंड तेदूखेड़ा, हटा, पटेरा, दमोह, बटियागढ़, जबेरा और पथरिया, 460 ग्राम पंचायत, 1229 गांव, 2 नगर पालिका परिषद हटा और दमोह, 4 नगर परिषद हिंडोरिया, पथरिया, पटेरा और तेंदुखेड़ा आते हैं। दोस्तों, दमोह तक पहुंचने के लिए सड़क मार्ग और रेल मार्ग का इस्तेमाल किया जा सकता है। जहां एक ओर सड़क मार्ग में दमोह बस स्टैंड शहर के केंद्र में है, जहां सागर, जबलपुर, छतरपुर, कटनी, टीकमगढ़ और पन्ना जैसे नज़दीकी स्टेशनों के लिए बस की उपलब्धता अक्सर होती है, अन्य मेट्रो शहरों भोपाल, इंदौर, नागपुर और इलाहाबाद के लिए भी बस सेवाएं उपलब्ध हैं, तो वहीं रेल मार्ग में दमोह ट्रेन से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। ये बीना जंक्शन और कटनी जंक्शन के बीच अवस्थित है। बात अगर हवाई मार्ग की करें तो मैं आपको बता दूं कि निकटतम हवाई अड्डा जबलपुर हवाई अड्डा दमोह से 110 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, दमोह जिले में घूमने के लिए कई सारे लाजवाब पर्यटन स्थल हैं, जिनमें जटाशंकर मंदिर, नोहलेश्वर मंदिर, गिरी दर्शन, सिंगोरगढ़ का किला, निदान कुंड, नज़ारा, सद्भावना शिखर, बांदकपुर और कुंडलपुर आदि सम्मिलित हैं। बात जनसंख्या की करें तो मैं आपको बता दूं कि 2011 के सरकारी आंकड़ों के अनुसार दमोह जिले की कुल जनसंख्या 12,64,219 है, जिसमें से पुरुषों की जनसंख्या 6,61,873 और महिलाओं की जनसंख्या 6,02,346 है। वहीं इस जिले का लिंगानुपात मात्र 902 महिला प्रति 1000 पुरुष है, जो कि काफ़ी चिंताजनक है, क्योंकि कोई भी समाज का पूर्णतः विकास तब तक नहीं हो सकता है जब तक वहां पर महिलाओं और पुरुषों को बराबरी का अधिकार ना मिल सके। दोस्तों, धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो दमोह जिले में प्रमुख धर्म क्रमशः हिंदू 93.85% और मुस्लिम 3.79% हैं, बाकी के लोग अन्य धर्मों से बिलोंग करते हैं। अब बात अगर साक्षरता की करें तो दमोह जिले में साक्षरता दर 69.7% है, जिसमें से पुरुषों की साक्षरता दर 79.27% और महिलाओं की साक्षरता दर 59.22% है। दमोह जिले में मुख्य बोले जाने वाले भाषाओं में हिंदी 99.16%, उर्दू 0.43% और सिंधी 0.13% हैं।
दोस्तों, दमोह जिले में पढ़ने के लिए कई शैक्षणिक संस्थान हैं, जिनमें शासकीय आर्ट्स कॉलेज तेंदुखेड़ा, शासकीय कमला नेहरू गर्ल्स कॉलेज दमोह, शासकीय कॉलेज जबेरा, शासकीय कॉलेज पथरिया, शासकीय कॉलेज बटियागढ़, शासकीय कॉलेज हटा, शासकीय पीजी कॉलेज दमोह, शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज दमोह, केंद्रीय विद्यालय दमोह, केंद्रीय विद्यालय हटा, जवाहर नवोदय विद्यालय हटा, शासकीय एक्सीलेंस स्कूल दमोह और शासकीय मॉडल स्कूल दमोह समेत दर्जनों सरकारी और गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थान यहाँ के विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए मौजूद हैं। दोस्तों, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दमोह जिले में जिला आयुर्वेद अस्पताल दमोह, जिला चिकित्सालय दमोह और सिविल हॉस्पिटल हटा समेत कई सरकारी और गैर सरकारी हॉस्पिटल्स मौजूद हैं, जहां पर इलाज कराने के लिए लोग आसपास के क्षेत्रों से ही नहीं बल्कि दूर ग्रामीण क्षेत्रों से भी यहां पर आते हैं। दोस्तों, दमोह जिले के अधिकतर लोग या तो कृषि या उससे संबंधित कार्य करते हैं। दमोह जिले के प्रमुख फसलों में धान, गेहूं और चना शामिल है। नरसिंहगढ़ एक छोटा सा गांव है जो दो नदियों कोपरा एवं सुनार के किनारे बसा है। ये दमोह से 20 किलोमीटर दूर दमोह छतरपुर राजमार्ग नंबर 37 पर अवस्थित है। इसका नाम यहाँ के प्राचीन राजा नरसिंह के नाम पर नरसिंहगढ़ पड़ा था। यहाँ पर एक सीमेंट फैक्ट्री है जिस पर हेदल वर्ग सीमेंट ग्रुप का अधिकार है। आसपास के क्षेत्र के लोगों के लिए माइसेम सीमेंट फैक्ट्री एक वरदान है। ये लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बड़ी संख्या में क्षेत्रीय लोगों को रोजगार प्रदान करती है। दमोह जिले में वर्ष 2017 से 2018 के लिए श्रम बल भागीदारी दर 57.73% है। वहीं इस जिले का प्रति व्यक्ति आय लगभग 72,865 रुपये है। दोस्तों, मावा गुजिया दमोह जिले की एक प्रसिद्ध मिठाई है जिसे मावा से बनाया जाता है। जिला में सबसे प्रमुख समारोह है बुंदेली मेला, जो कि हर साल फरवरी के महीने में एक सप्ताह के मेले के रूप में आयोजित किया जाता है। पड़ोसी जिलों के लोग इस अवसर पर दमोह आते हैं और त्योहार का भरपूर आनंद लेते हैं। दोस्तों, दमोह शहर में रुकने के लिए कई सारे वर्ल्ड क्लास होटल्स हैं, जहां ठहर कर पर्यटक शहर के मनमोहक नज़ारों का लुत्फ उठाने के लिए जा सकते हैं। होटल कैप्टन, होटल अनय, होटल तुलसी, जयसवाल टावर, सिंघई होटल और अरिहंत होटल सरी के कई शानदार होटल्स इस शहर में मौजूद हैं। दोस्तों, दमोह जिले की सबसे मुख्य समस्या क्राइम है। दमोह जिले में वर्ष 2018 के लिए अपराध दर 268.62 है। तो दोस्तों, दमोह जिले की ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देखने आए हैं और आगे भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और अगली वीडियो आप किस शहर या किस जगह की देखना चाहते हैं हमें कॉमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर हमारे उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।